मूवी ए टीम एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर है। मूवी की कास्ट, एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस कमाल का है। ऐसी ही मूवी स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है कि जॉन एनिबल स्मिथ को मैक्सिकन पुलिस के दो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने जनरल जेवियर टाको के कहने पर पकड़ रखा है। उसे उसी की गन से मारने लगते हैं, लेकिन एनिबल की गन ही नहीं चलती। वो लोग एनिबल के पैसे उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं और पीछे कुछ डॉग्स को छोड़ जाते हैं जो एनिबल को मार दें। लेकिन एनिबल डॉग्स को ट्रैप करता है और वहां से बचकर बाहर आ जाता है। अब एनिमल अपने साथी टेम्पल्टन फेस पैक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फेस को टाको ने अपने एक फार्म में पकड़ रखा है। एनिमल को फेस तक जल्दी पहुंचना है, इसके लिए वो एक रास्ते में गाड़ी को रोकता है। ये वैन रेंजर बीए बार्कस की है और बीए भी एक ट्रेन्ड रेंजर है, वो भी ये मिशन ज्वाइन कर लेता है। और बीए अपनी मॉडिफाइड जीएमसी वैंडोरा को बहुत प्यार करता है। उसी वैन पर वो लोग अब फेस को बचाने निकल पड़ते हैं। फेस एनिमल के साथ टाको को पकड़ने आया था, लेकिन टाको ने उसे उसकी वाइफ के साथ ही पकड़ लिया है। वो फेस को आग लगाकर मारने वाला है। टाको के आदमी आकर बताते हैं कि एनिमल मर चुका है। और जब टाको एनिमल के दिए नोट देखता है, उसको पता लगता है कि ट्रैकर के साथ उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एनिमल बीए के साथ वहां आ जाता है और फेस को वहां से टायर में ही नीचे धकेल देता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और टाको की वाइफ को अपने साथ ले लेता है और फेस को भी वैन में बिठा कर निकल जाता है। टाको बहुत गुस्से में आ जाता है और हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करता है। वैन में जाते हैं, एनिमल फेस से खुश नहीं क्योंकि उसने टाको की वाइफ को बिना किसी प्लान के मिशन में इन्वॉल्व किया है और अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। लेकिन उसने टाको की वाइफ की सेफ्टी के लिए एयर टिकट, वर्क वीजा और पासपोर्ट अरेंज कर दिया है। टाको की वाइफ को एनिमल का एक साथी माइक वहां से ले जाता है। बीए को अपनी वैन वहीं छोड़नी पड़ती है। तो कुछ दिन बाद इस वैन को वापस लेने आने वाला है। अब इन लोगों को मैक्सिको से निकलने के लिए बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर पायलट की जरूरत है। लोग पास के आर्मी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर एनिमल एक पायलट हाउलिंग मैड मर्डॉक को ढूंढ रहा है। ये यहाँ एक डॉक्टर से स्टिच लगवाने लगता है। तभी एक नर्स आकर बताती है कि डॉक्टर नहीं, एक पेशेंट है। हाउलिंग मैड मर्डॉक एक पागल है जो हॉस्पिटल से कई बार भागने की कोशिश कर चुका है, लेकिन एनिमल इस पर बहुत गस करता है। जब पता लगता है कि ये पागल ही पायलट है, फेस और बीए टेंशन में आ जाते हैं। मर्डॉक उन्हें एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखाता है। टाको वहां पूरी फोर्स के साथ आ जाता है। ये लोग गोलियां चलाते हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। मर्डॉक बताता है कि उसका हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ है। अब वो फायरिंग से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर घुमा लेता है। एक पास लगा जनरेटर उखड़ कर बीए की वैन पर गिर जाता है। बीए के लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मर्डॉक एक पागल है, लेकिन उसके प्लेन चलाने के स्किल्स कमाल के हैं। टाको गोलियों से उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। टाको अब मिसाइल चलाने लगता है। मिसाइल्स देखते ही मर्डॉक हाइट पे जाते प्लेन को एकदम ऑफ कर देता है और प्लेन नीचे आ जाता है। मिसाइल्स आपस में ही टकरा जाते, लेकिन बीए हेलीकॉप्टर से बाहर लटक जाता है। फेस उसको हेलीकॉप्टर में वापस खींच लेता है। बीए को अब प्लेन फोबिया हो चुका है। एनिमल का प्लान असल में टाको के हेलीकॉप्टर को यूएस टेरिटरी में ले जाना था। टाको गलती कर लेता है और यूएस टेरिटरी में जाते ही उसका हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया जाता है। फर्स्ट प्लान सक्सेसफुल होने पर सब लोग बहुत खुश हैं। अब 8 साल बाद की स्टोरी पर स्विच किया जाता है। ये लोग इराक में हैं और 80 सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट कर चुके हैं। एनिमल को सेंट्रल इंटेलिजेंस से लिंच आकर मिलता है। CIA टीम वाले कभी भी अपना रियल नेम डिस्क्लोज नहीं किया करते। वो कहता है कि सद्दाम के चेले नेक्स्ट 30 आवर्स में $1 बिलियन चुराने वाले हैं और उनको पकड़ने में उसकी हेल्प चाहिए। US के बाहर एक ही जगह है जहां डॉलर्स प्रिंट किए जा सकते हैं और वो मशीन शाह ऑफ ईरान है। ईरान इराक वॉर के टाइम ये खो गई थी। कहा जाता है कि इसे सद्दाम ने चुरा लिया था। एनिमल उस मशीन को वापस ले आया था, लेकिन उसकी प्लेट्स वहीं रह गई थी। अब ये प्लेट्स फिदाइन थग्स के पास पहुंच गई थी। ये प्लेट्स और बिलियन ऑफ डॉलर्स को बगदाद से बाहर ले जाया जा रहा है। ये काम फॉर्मर इराक ऑपरेशंस कर रहा है।
फेस की एक्स गर्लफ्रेंड डिफेंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस कैप्टन चारिसा सोसाओ से मिलने आती है और उसे बगदाद मिशन से दूर रहने को कहती है, क्योंकि सद्दाम के वफादारों को रोकने का काम अब वो करने आई है। फेस को अभी इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उधर कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल रूजल मॉरिसन हैनिबल को ये मिशन करने को मना करता है, लेकिन हैनिबल नहीं मानता। हैनिबल बीए फेस और मर्डॉक के साथ मिशन प्लान करता है। बीए कहता है कि वो किसी पेपर प्लान ग्लाइडर या अल्ट्रा लाइट्स में फ्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि उसको अभी भी फ्लाइट फोबिया है। हैनिबल सबको एक लिस्ट देता है। ये लोग मिशन के लिए कुछ जरूरत की चीजें इकट्ठी करते हैं। ये लोग बहुत से एयरबैग्स, मीडिया माइक, कैमरा, प्रेस आईडी, मैग्नेट इकट्ठा करते हैं। फेस प्रेस आईडी के साथ होटल में एंट्री करता है, कैमरा से मैग्नेट निकाल कर एक रास्ते को ओपन करता है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक ट्रक के नीचे जाकर पीछे के ट्रक को उड़ा देता है। बीए एक बाइक को क्लच 0630 पर चलाकर ट्रक जिसमें बिलियन डॉलर्स और प्लेट ले जा रहे हैं अपने कंट्रोल में कर लेता है। उनकी हेल्प के लिए बैकअप में हैनिबल है और वो आकर पीछे से हो रही फायरिंग को रोकता है और उनको कवर करता है। अब ये ट्रक जाकर पानी में गिर जाता है और ये लोग एयर बैग खोल लेते हैं। मर्डॉक आकर एयर फायर करता है और इन तीनों को ट्रक के साथ ही वहां से ले जाता है। जनरल मैरिसन के ऑर्डर पर ट्रक को लैंड करवा दिया जाता है, लेकिन जनरल मैरिसन के पहुंचते ही जनरल मैरिसन का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और जनरल मैरिसन मारा जाता है। एनिमल पाइक और उसके आदमियों को वहां देखता है और समझ जाता है कि ये काम पाइक का है। पाइक एक करप्ट सोल्जर है और ये मिशन ऑफिशियली पाइक करने वाला था। जो ट्रक ये लोग लेकर आए हैं उसमें भी ब्लास्ट होता है। पाइक सारे एविडेंस खत्म करके वहां से चला जाता है। इन चारों को कोर्ट में पेश किया जाता है। ये चारों किसके ऑर्डर पर इस मिशन पर थे उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जनरल मैरिसन अब मर गया है। बिना किसी ऑर्डर पर मिशन को करने के लिए पूरी अल्फा टीम का कोर्ट मार्शल करके 10 साल जेल की सजा सुना दी जाती है और डिसऑनरेबली ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और सबको लगता है कि अल्फा टीम पाइक के साथ काम करती थी। ये प्लेट सोसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उसका भी कोर्ट मार्शल करके उसका डिमोशन कर दिया जाता है। ये चारों इस अपमान पर काफी शॉक्ड हैं। अब स्टोरी को 6 मंथ बाद मूव किया जाता है। लिंच एनिमल को आर्मी कन्फाइनमेंट में मिलने आता है। वो आकर पाइक के बारे में बताता है जो जर्मनी में है और अरब डीलर की हेल्प से वो प्लेट सेल करने वाला है। एनिमल कहता है कि इस काम के बदले में वो अपने करियर पर लगे दाग मिटाना चाहता है। वो लिंच को अपने और पूरी अल्फा टीम के क्लीन रिकॉर्ड्स बनाने को कहता है। हैनिबल जेल से भाग जाता है, जाकर फेस को भी जेल से निकाल लाता है। सोसा को हैनिबल के जेल से भागने का पता चल जाता है और सिगार में यूज हुए ड्रग से पता लगा लेती है कि हैनिबल की हेल्प CIA ने की है। ये लोग बीए को भी जेल से निकाल लाते हैं। बीए काफी चेंज हो गया है, वो अब किसी को मारना नहीं चाहता। मर्डॉक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है, ये लोग उसे भी ले आते हैं। सोसा को पता था कि ये लोग मर्डॉक को लेने आएंगे। वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। अब ये लोग एक US मिलिट्री प्लेन चुरा लेते हैं। सोसा US मिलिट्री में जाकर प्लेन को शूट डाउन करने को मना करती है, लेकिन एक मिसाइल जाकर प्लेन में लग जाती है। पहले ये लोग पैराशूट से एक मिलिट्री टैंक में छुपकर निकल गए होते हैं और कुछ स्ट्रगल के बाद पानी में लैंड कर लेते हैं। एनिमल और टीम पाइक को ट्रैक करते हैं और जाकर पाइक के साथी को किडनैप करते हैं। प्लेट्स का बैग गिर जाता है, बीए उसे लेने जाता है, तभी पाइक वहां आ जाता है। बीए पाइक को मारना नहीं चाहता, एनिमल आकर उसे रेस्क्यू करता है। सोसा आकर पाइक को अरेस्ट करती है और पाइक को बताती है कि उसकी सारी टीम को जर्मन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पाइक बताता है कि उसकी कोई भी टीम नहीं है। ये भी बताता है कि हैनिबल उसका पार्टनर कभी भी नहीं था। अब हैनिबल अपनी टीम को पाइक के साथी के बारे में बताता है और ये और कोई नहीं मॉरिसन है। एनिमल को पता था अगर लिंच उसकी हेल्प कर रहा है तो इसमें मॉरिसन भी इन्वॉल्व हो सकता है। मॉरिसन ने पाइक और लिंच के साथ मिलकर ये प्लेट चुराई थी
और बाद में पाइक के साथ मिलकर नकली मरने का प्लान बनाया था और लिंच को धोखा दिया था। मॉरिसन को पता था लिंच उन्हें यूज कर रहा था और लिंच ने एनिमल को इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि लिंच को लगता था कि मॉरिसन अपने ओल्ड फ्रेंड एनिमल को धोखा नहीं दे पाएगा। एनिमल लिंच को फोन करता है, उसे कहता है कि अगर उसे पता था कि मॉरिसन इस प्लान में है उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। लिंच एनिमल को कहता है प्लेट्स उसे दे दे और मॉरिसन को मार दे और अपनी और टीम की जान बचा ले, लेकिन एनिमल कहता है उसे सारे एग्रीमेंट साइंड और व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट से ऑथराइज चाहिए। एनिमल मॉरिसन को मारना नहीं चाहता, उसे साथ लेकर जाना चाहता है क्योंकि वो वापस जाकर सच्चाई बता सके। लिंच उन सबको मारने के लिए एयर स्ट्राइक करवा देता है और मॉरिसन मर जाता है। लिंच को लगता है कि सब मारे गए हैं, वो प्लेट्स वहां से लाने के लिए टीम वहां भेज देता है। पाइक को सौसा के डिपार्टमेंट में जाकर अपनी कस्टडी में ले लेता है। ए टीम नेक्स्ट प्लान बनाती है और सौसा को फोन करती है और उसे बताती है कि जनरल मॉरिसन उनके पास है। उन्हें पता है कि लिंच सौसा का फोन टैप कर रहा है और लिंच को पता लग जाता है कि वो सब मरे नहीं हैं। वो सौसा को बताता है कि लिंच ने उनको मारने की कोशिश की लेकिन वो सब बच गए हैं। एनिमल बताता है कि उनके पास प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स और मॉरिसन को एड्रेस एलए डॉक्स 48 आवर्स डॉन में डिलीवर कर देगा। इसके बदले में उसे कोर्ट में रीट्रायल चाहिए। फेस सौसा के दूसरे फोन पर कॉल करता है जो उसने उसे ट्रेन स्टेशन में दिया था और उसके साथ डिफरेंट प्लान बना लेता है। पाइक लिंच के साथ मिल जाता है। लिंच और पाइक भी लॉस एंजल्स में पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। पाइक रॉकेट लॉन्चर के साथ शिप कंटेनर उड़ा देता है, पूरा प्लान फेल कर देता है। बीए बाइक से आकर फेस को पाइक से बचा लेता है और पाइक को पटक कर मार देता है। लिंच प्लेट्स लेने चला जाता है और मर्डॉक पहले ही हेलमेट पहनकर उसमें कैचअप फिल करके फेस कवर कर लेता है और मॉरिसन होने का एक्टिंग करता है। लिंच उसे मॉरिसन समझ कर गोली मार देता है और प्लेट्स ले लेता है और हैरिसन उसे सब कन्फेस करवा लेता है। सौसा वहां आकर लिंच को अरेस्ट कर लेती है। अब CIA एजेंट्स आकर लिंच को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और US मिलिट्री आकर ए टीम को अरेस्ट कर लेती है। सौसा इस पर काफी गुस्से में है। वो बताती है कि प्लेट्स ए टीम ने ही लाकर दी हैं, लेकिन सौसा का बॉस उसे प्रमोट कर देता है और उसकी कुछ नहीं सुनता। सौसा जाकर फेस को किस करती है और चली जाती है और सब पुलिस वैन में बैठ जाती है। वैन में बैठते ही बीए और मर्डॉक कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। एनिमल कहता है कि हर सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है और फेस की तरफ देखता है। फेस स्माइल करता है और कहता है आई लव इट व्हेन प्लान कम्स टुगेदर और हैंडकफ की दिखाता है जो उसे किस करते सौसा ने दी थी। और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।